मम्मी जी भी आने वाले हैं बाइक पे दूसरी बार। पहली बार गए थे यहीं नीचे तक, खनियाल तक। यहाँ से जाएंगे हम नीचे, यहाँ से दिखा देते हैं आपको। तब तक मम्मी जी बातचीत कर रहे हैं। ये देखिए नीचे, ये रहा पोलिंग बूथ और यहाँ पे चल रहे हैं वोट। यहाँ से हमने अपने मत दिए हैं सभी ने, लगभग लगभग ऑलमोस्ट सभी ने अपना वोट जो है डाल दिया है। हम भी बचे थे लास्ट पे। ये देख लीजिए की गुड़ाई चल रही है। क्या ही बोले बाकी, आप लोग बोलते हैं कि भाई अपनी विलेज लाइफ दिखाओ, उसको दिखाते हैं भाई। चलो चलते हैं, ले चलते हैं अपने गांव की तरफ। फिर दिन हो गया था यहाँ से पूरा ये वाला खेत। भाई बहुत हार्ड वर्किंग है ये लड़कियाँ। लाइक लाइक फॉर यू। क्या चलना पड़ता है, समय कहाँ ले जाता है किसी को, कोई पता नहीं होता। लाइफ कब कहाँ कैसे किस मोड़ पे ले जाती है, क्या अच्छा होता है क्या बुरा होता है, सब कुछ होना ही होता है। और उस टाइम तो काफ़ी बुरा लगता है, बट सामने कुछ टाइम बाद चल के पता चलता है कि जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छे की। गुड मॉर्निंग गाइस, चंद्रकांत एंड यू आर वाचिंग चंद्रकांत ब्लॉग्स। काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही है, मौसम खराब हो चुका है। आज है मतदान करने का दिवस, मतदान करने का दिवस, इसलिए हवा से आवाज़ नहीं आ रही है। भाई क्या हाल है मम्मी जी? राधे राधे जी, चल पड़े हैं अब वोट देने। हाल तो ठीक ही है, जुकाम वगैरह हो गया है, बुखार। अच्छा, नॉर्मली है पर। अच्छा, तो अभी पहुंच चुके हैं बाइक के पास और अभी मम्मी जी भी आने वाले हैं बाइक पे दूसरी बार। पहली बार गए थे यहीं नीचे तक, खनियाल तक, उस टाइम आए थे, बट आज फिर से चल रहे हैं। तो देखते हैं कैसा रहता है। फिलहाल आ नहीं रहे थे, बोले थे बट फिर चलो अब चलते हैं। और नज़ारा देखिए, अभी मौसम ख़राब हो चुका है, कभी धूल कभी बारिश कभी हवा, बुरे हाल है, बुरे हाल। सो भाई अभी निकलते हैं यार। सो भाई अभी पहुंचने वाले हैं हम मतदान केंद्र में, वहां भी डल रहे हैं वोट और काफी ज्यादा मजा आने वाला है। मजा तो क्या ही आएगा यार, खेत में सुबह सुबह हो गई है मेरी थक्के बुरी हालत और अभी जा रहे हैं वोट देने के लिए। वोट वगैरह देते हैं, अपना जो काम होता है वो कर देते हैं। फ्री का दान मतदान। ओ मेरी दान, उतरिए यहाँ से जाएंगे हम नीचे, यहाँ से दिखा देते हैं आपको। तब तक मम्मी जी बातचीत कर रहे हैं। ये देखिए नीचे, ये रहा पोलिंग बूथ और यहाँ पे चल रहे हैं वोट। देखो अभी जाएंगे वोट वगैरह देंगे, अभी रश भी है नहीं, सो जल्दी जल्दी फ्री हो जाएंगे तो जल्दी जल्दी चले जाएंगे घर। ये रहा हमारा पोलिंग बूथ, यहाँ से हमने अपने मत दिए हैं सभी ने। ये देखिए जी एस एस सिमगिरी वाकी डेकोरेशन, देखो आप। अभी लगभग लगभग ऑलमोस्ट सभी ने अपना वोट जो है डाल दिया है, हम भी बचे थे लास्ट पे। ये देख लीजिए गाइस, परछाई को अगेन पार कर दिया यहीं पे और चलते हैं भाई घर की तरफ। बहुत सही काम हो गया, मतलब वोट भी डल गया और थोड़ा हम लेट गए, तो लेट जाने का फायदा ये हुआ कि लाइन में नहीं लगना पड़ा और जल्दी से वोट हो गया अपना। सो फटाफट हम भी आ गए फिर, देखो धूप ही धूप है अभी तक। और चलते हैं यार गाइस, मजे ही मजे, बस काम निपटाना है अपना और फिर फटाफट। बट देखो गेहूँ पक चुकी है, यहाँ पे मक्के की गुड़ाई चल रही है। क्या ही बोले बाकी, आप लोग बोलते हैं कि भाई अपनी विलेज लाइफ दिखाओ, सो दिखाते हैं भाई। चलो चलते हैं, ले चलते हैं अपने गांव की तरफ। ये रहा सामने गांव। The next morning. So good morning guys, अभी पहुंच चुके हैं खेत में और खेतों के काम भाई। हाँ देखो ये यहाँ पे मक्की ऊपर, यहाँ से ऊपर गुड़ाई हो गई, यहाँ से नीचे बच रही है। ये अपने भाई यहाँ पे निकाल रहे हैं बीच बीच से ताकि इसको थोड़ा स्पेस मिल जाए, जो एक मक्की के पौधे को चाहिए। बराबर स्पेस में निकाल रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे थोड़ा की मक्की उसको रखेंगे, बाकी जो ज़्यादा हो जाएंगे उनको निकाल देंगे। और यहाँ देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है,
क्या हाल है? हेलो राधे 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 राधे, क्या हाल है? राधे राधे, क्या हाल है? बढ़िया है, थोड़े ठीक है आज तो। अच्छा, क्यों, क्या हो गया था? पीठ में दर्द। अच्छा, पीठ में दर्द, बुखार, जुकाम वगैरह वगैरह। वो क्यों? इधर देखो कितना काम है मक्कियों का। अच्छा, तो इससे जो है पीठ दर्द हो गया था, सिर दर्द वगैरह सब कुछ। अच्छा, हाँ जी। फिर आगे खेत में तो आना पड़ता है ना। अच्छा, खाना खा लिया? नहीं। क्यों नहीं खाया? आ गया, खाना खा के आना था, नहीं तो 11-12 बजे तक, 11-12 बजे तक खाना खा के आना चाहिए था, नहीं तो 11-12 बजे तक लगेगी पकड़। कोई ना, टेंशन नहीं है, देख लेंगे। सो भाई, अभी आपके भाई की ड्यूटी लग चुकी है, खेत से आया भाई, हाथ पैर धोए, खाना खाया, उसके बाद सीधे अब यहाँ पे पास वाले गांव में बरसी है एक मामटी की, मतलब 1 साल हो गया उनको गुजरे, तो अभी बरसी है, तो वहाँ पे धाम धूम बनाने का प्रोग्राम हमारे गांव के लिए होता है, मतलब कमेटी जो होते हैं धाम बनाने के लिए हमारे गांव से जाते हैं। सुबह मैं अभी जा रहा हूँ, लेट हूँ, बट कोई ना, खाना खिला ही देंगे, चलते हैं। 2000 years later। तो मम्मी जी कैसा लग रहा है फिर? बुरे हाल है जी, उकड़ी नित नित के बुरे हाल है। अच्छा, बुरे कैसे हो गए? अभी तो धूप नहीं है, अभी तो हवा भी चली रही है ठंडी ठंडी, सुबह के टाइम तो बुरा हाल हो जाता है। कैसे? इतनी गर्मी ऊपर से, फिर काम करना है झुक के, फिर पीठ में दर्द, फिर बुरा हाल। अच्छा, तब तो बुरे हाल हैं आपके जी, आप जल्दी जल्दी काम आप हो जाओ, हमें रेस्ट करवाओ। तो फिर क्या, कुखड़ी नहीं बोगे? नहीं बिल्कुल नहीं। वो तो सिर्फ बोलने की बातें होती है, आराम ही आराम, आराम नहीं फिर ज्यादा बढ़ेगा लाल, जरूरतें लालच और जरूरतें बढ़ती जाती हैं, खत्म नहीं होती, इंसान खत्म हो जाता है। हाँ, वो तो है, वो तो सच है, पर जब तक है तब तक तो चला नहीं है सिस्टम, सिस्टम बड़ा खराब चला है। मेरे तो पैर दुख गए, टांगे दुख गई। हाँ जी, ये मक्की की रोटी आसान थोड़ी ना होती है। अच्छा, तो कमाने में बहुत सारी मेहनत लगती है, बट फिर साल भी निकल जाता है ना, बिना सोचे समझे जी भर के खाओ, बिल्कुल भर के रज के खाओ, 2-3 टाइम खा लो, जितने टाइम है 4 बार खाओ, 5 बार खाओ, कोई टेंशन नहीं। तब चलो, काम क्या, काम तो 1 हफ्ते में खत्म हो जाता है। काम तो करना पड़ता है ना, कमाएंगे तभी तो खाएंगे, कमाएंगा नहीं तो खाएंगा किधर। और वैसे भी अपनी मेहनत की जो रोटी होती है उसको खाने में बड़ा मजा आता है। पीछे क्या हो रहा है? चाहे तो सब्जी वगैरह ना भी हो तो चटनी के साथ भी अच्छी लगती है। अच्छा, मुझे तो नहीं लगती चटनी के साथ अच्छी, पहले बचपन में तो आप बहुत चटनी खाते थे, लेकिन अब क्यों नहीं लगती अच्छी? क्योंकि अब मिर्च नहीं खाता, उसमें मिर्च होती थी तब खाता था। जब स्कूल से आते थे तब आज सब्जी नहीं हुई तो प्याज की चटनी लानी तो खानी, प्याज की चटनी बना लेते थे भाई, थोड़ी प्याज की पत्तियां निकालो और बस उसको पीसो एंड देन बना लो चटनी, खाओ आराम, देसी जुगाड़ का टाइम था। बट आजकल तो भाई चलो बढ़िया है, समय के साथ चलना पड़ता है, समय कहाँ ले जाता है किसी को कोई पता नहीं होता है, लाइफ कब कहाँ कैसे किस मोड़ पे ले जाती है, क्या अच्छा होता है क्या बुरा होता है, सब कुछ होना ही होता है, और उस टाइम तो काफ़ी बुरा लगता है, बट सामने कुछ टाइम बाद चल के पता चलता है कि जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छे के लिए ही हुआ। सो अभी काम वगैरह चला है यहाँ पे, और यहाँ पे एक दिन में ख़त्म हो जाएगा कल तक, है ना? बिल्कुल, कल ख़त्म हो जाएगा। फिर कहाँ, पांगी वैली ट्रिप? फिर आप जहाँ मर्जी जा सकते हो। ऐसी सीन है गाइस, फिर कहाँ जाएं आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना, सजेशन दिया करो, सजेशन। बट खैर, आप तो वीडियो नहीं देखते। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो देखिए भाई, पड़ोसी गांव, पड़ोसी खेत के बंदे जा रहे थे घर, आ गए हेल्प करवाने के लिए। देखो भाई, पलटन हो चुकी है हमारे पास, पहले हम 3 बंदे थे, अब 5, पीछे गुड़ाई करने वाले, और मैं और भाई निधाई, और एक ये यहाँ पे बैठा है, रेस्ट कर रहा है, और ये दर्शक का रोल निभा रहे हैं अभी फिलहाल। करते फटाफट, देखो पीछे से आ रही है लेबर बिल्कुल खतरनाक रूप से, धूल उड़ाते हुए, तो जल्दी जल्दी निकालते हैं, नहीं तो फिर अपने पवन जी, पवन जी क्या हाल हैं, क्या हाल हैं पवन जी? बढ़िया हैं। कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे खेत में, गुड़ाई कर रहे थे हैं? तो गाइस, ये शीतल, और साथ में काजल, साथ में मधु, साथ में नेहा,
और मम्मी जी देखो पलटन एकदम से मतलब घंटे का काम 10 मिनट में। क्यों? ठीक है गबड़। फिलहाल इनको हम प्यार से गबड़ बोलते हैं, गबड़ा गबड़ा है इनका। आपका नाम गबड़ा क्यों रखा था? क्यों रखा था गबड़ा नाम? एक आज ढोल बजाता था ना, इसके पास कोई भी डब्बा मिल जाता था प्लास्टिक का, तो ये इसको बजाने लगता था, मुंह से गाने लगाता था गबड़ 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 गबड़। तो फिर इसका नाम ही गबड़ा रख दिया। यहाँ पे ऐसा ही होता है, निकनेम बहुत जल्दी रख लेते हैं यहाँ पे। कहाँ हम एक खेत की गुड़ाई करने वाले थे और कहाँ दो खेत हो गए भाई। ये पावर है, लड़कियों की पावर है। लड़कियाँ बहुत ही ज़्यादा परिश्रमी हैं, हार्ड वर्किंग गर्ल्स। अभी ये वाला खेत हम खेत ख़त्म करके ये मधु, इसका नाम मधु है, मधु अब बोले कि अगले वाले खेत में जाएंगे। आज लगता है रेड बुल पी के आई है कि देसी घेव पिया है। अंग्रेजी दारू। ओ माय गॉड, अंग्रेजी दारू के आपके यहाँ घी नहीं होते? हमारे यहाँ तो दारू होती है। ओ माय गॉड, दारू कौन सी वाली? ओ माय गॉड इंग्लिश। कि नहीं यहाँ से इसको धक्का दिया, और ये देखो नीचे गिर गई, अब रो रही है, घुटना पकड़ के बैठी, मतलब घुटने में चोट आई है इसके। इधर देख, इधर देखो, देखो देखो, रो रही है बेचारी, घुटना। तो भाई देखिए ये वाला जो है प्रोग्रेस है ये इनकी है, लगभग लगभग आधे घंटे की प्रोग्रेस है, और आधे से कम। देखिए भाई कितना ये देखो, हाँ उस पर बकरे की सवारी होगी आज तो। देख भाई बहुत हार्ड वर्किंग है ये लड़कियाँ। लाइक लाइक फॉर दी, क्या 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 बोले हो? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आ चुके हैं घर पे, और देखो यार आज डिनर में बना है, क्या है ये? ये है खीर, और क्या ही मजेदार खीर है यार, एकदम मस्त मजेदार, फुल मौज। आजकल खेतों का काम है, और मम्मी जी हो चुके हैं बीमार अपने, थोड़े बहुत बीमार। क्या जब हम घर आए थे उस वीडियो का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है, सभी लोग आपको देखना पसंद कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।